लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और